Very good afternoon, dear students. In the previous lecture, we were discussing about the biological classification and we have seen that what is the meaning of classification and what are the various objectives and what are the significances and what is the need of the classification. So, what we have studied that classification is a scientific procedure to classify the organisms into different groups on the basis of certain similarities and certain dissimilarities and placing these groups in a hierarchy of categories. Now today we will discuss about the biological classification and about the various systems of classification. Now starting from the, we can say ki civilization, there were many attempts to classify the living organisms. But in the starting, there was no scientific procedures. You can say there was no scientific criteria to classify the organisms. Because at that particular time, there was no scientific development, there were no instruments, there was no microscope at that particular time. So at that particular time, the people, they only use their instincts and they classify the organisms based on the need. And need to use organisms for their purpose. ठीक है, तो उनका पर्पज, फॉर एग्जाम्पल उनका पर्पज क्या था, उनका पर्पज फूड का पर्पज था कि भैया कौन से ऑर्गेनिज्म है उनसे फूड मिलता है तो उन्होंने उसको पहचान लिया. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किससे फ्लैश मिलता है, किससे मीट मिलता है, उसको उन्होंने पहचान लिया कि भाई इसको यदि मार देंगे तो इससे क्या मिलेगा, अपने को फूड मिल जाएगा. उसके अलावा शेल्टर के लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं, उन्होंने क्या देखा, फॉर एग्जाम्पल सर्टेन एनिमल्स हैं जिनकी बोन्स है, उनसे वो क्या बना सकते थे, जिनसे एक वो छोटा सा घर बना सकते थे. उसके अलावा जो ट्रीज हैं उनकी वो वुड यूज करके उनसे क्या बना सकते थे, वो अपना शेल्टर बना सकते थे. ठीक है, एंड आल्सो क्लोथिंग, क्योंकि अर्लियर टाइम्स में क्या करते थे कि जो एनिमल्स की स्किन होती है उसको क्या करते थे, एज ए वो क्लोथिंग यूज करते थे. तो अपना जो खुद का पर्पज था उसी के हिसाब से उन्होंने क्या कर दिया, जो भी ऑर्गेनिज्म थे उनको उन्होंने क्लासिफाई कर दिया अपने इंस्टिंक्ट के हिसाब से विदाउट यूजिंग एनी साइंटिफिक क्राइटेरिया. ठीक है, अब सबसे पहले ये तो हम बात कर रहे हैं कि सिविलाइजेशन के टाइम पे कैसे लोग करते थे क्लासिफाई, लेकिन बाद में क्या है कि बाद में देर वॉज वन साइंटिस्ट कॉल्ड अरिस्टोटल. तो अरिस्टोटल था, अरिस्टोटल ने सबसे पहले क्या किया, अरिस्टोटल वॉज द अर्लीएस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो पहली बार, काफी बार ये स्टेटमेंट ये AIPNT एग्जाम में आया कि अरिस्टोटल क्या था, अरिस्टोटल वॉज द अर्लीएस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस, बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन. ठीक है, और ये कब की बात करते हैं अपन, 382 BC उसके अपन बात करते हैं, बिफोर क्रिस्ट के अपन बात कर रहे हैं, 382 BC की बात कर रहे हैं अपन. ठीक है, अब अरिस्टोटल ने सबसे पहले क्या क्राइटर यूज किया, ही जस्ट यूज द सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स. ठीक है, कि भैया देखने से वो कैसे लगते हैं उस हिसाब से उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने क्लासिफाई कर दिया. ठीक है, तो अरिस्टोटल ने कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस में डिवाइड कर दिया इसने,
किस में डिवाइड कर दिया? उसने डिवाइड कर दिया किसके अंदर? प्लांट के अंदर, और किसके अंदर? एनिमल्स के अंदर। ठीक है बेटा, ध्यान रखना ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं है। ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? वो किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था, जिसको डिस्कस कर रहे हैं। उसने क्या किया? अरिस्टोटल ने क्या किया? सिर्फ उन्होंने देख लिया कि भैया हाँ ये प्लांट है या एनिमल है, उसने कोई उसको टू किंगडम क्लासिफिकेशन उसने नाम नहीं दिया उसको। ठीक है, तो इसने क्या किया? इसने क्या किया कि जो प्लांट थे उस प्लांट के सिर्फ उसने क्या देखे? उसने क्या देखे? सिंपल सिंपल मोर्फोलॉजिकल, सिंपल मोर्फोलॉजिकल करेक्टर्स। और वो जो सिंपल करेक्टर्स थे, ठीक है, मेनली फॉर एग्जांपल स्टेम है, स्टेम कैसा है? सॉफ्ट है। ठीक है कि वो वुडी स्टेम है। ठीक है, अभी उसके ऊपर आएंगे अपन। तो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स हैं, उनको देख के उसने प्लांट्स को किस में क्लासिफाई कर दिया? उसने क्लासिफाई किस में कर दिया? इन दी हब्स, इन दी सब्स एंड इन दी ट्रीज, इसमें क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, तो इसने क्या किया? इसने बेस्ड ऑन सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स अरिस्टोटल क्लासीफाई दी प्लांट्स इन टू दी हर्ब्स सब्स एंड दी ट्रीज। ठीक है, सिर्फ उसने इतना ही बताया। कैसा क्या होता है वो बाद में क्या होता है, जब जैसे साइंटिफिक डेवलपमेंट होता गया तब मालूम हुआ कि धीरे धीरे इसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। जैसे अपन डिस्कस करें कि सब्स और ट्रीज में क्या होते हैं, वुडी स्टेम होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, काफी सॉफ्ट स्टेम होता है, इसको क्या बोलते हैं? नॉन वुडी स्टेम उसको बोलते हैं। ठीक है, हर्ब्स में फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, धनिया। ठीक है, किस में आता है? हब्स में आता है। कोरिएंडर किस में आता है? हब्स में आता है। ठीक है, सब और ट्रीज में क्या अंतर होता है कि सब के अंदर क्या होता है, एक बेसल। ठीक है, मतलब बेस से क्या होते हैं, काफी सारी क्या निकलती है वहां से, ब्रांचेस निकलती हैं स्टेम की। ट्री के अंदर क्या होता है, एक मेन जो स्टेम होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं। और बाद में क्या होती है, उसकी ब्रांचेज उसकी स्टार्ट होती हैं। ठीक है, सब में क्या आते हैं, फॉर एग्जाम्पल रोज हो गया। ठीक है, उसके अलावा क्या हो गया, नींबू जो आता है, लेमन, वो भी क्या होता है, वो भी एक सब होता है वो। ठीक है, इसको आप बाद में पढ़ोगे, मॉर्फोलॉजी में आप पढ़ोगे क्या क्या बातें हैं, बट लेकिन अभी इतना याद रखो कि अरिस्टोटल ने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स के हिसाब से उसने प्लांट्स को हर्ब्स में, सब्स में और ट्रीज में क्या कर दिया, उसने क्लासीफाई कर दिया। तो ये तो अपन ने बेटा बात कर ली किसकी, अपन ने बात कर ली किसकी, प्लांट्स की। ठीक है, अब यहाँ पे जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स को उसने किस में क्लासिफाई कर दिया? एनिमल्स को उसने किस में क्लासिफाई कर दिया? इनटू द इनेमा एंड द अनेमा। ठीक है, किस में क्लासिफाई कर दिया? उसने क्लासिफाई किस में कर दिया? इनटू, ये क्या हो गया, इनेमा एंड द अनेमा। ठीक है, इनेमा का मतलब क्या हो गया कि ऐसे एनिमल्स जिसमें ब्लड कैसा है, रेड कलर्ड ब्लड है। ठीक है, और अनेमा का मतलब क्या हो गया कि ऐसे एनिमल्स जिसमें रेड कलर्ड ब्लड नहीं है। ठीक है, अब इसने कैसे क्लासिफाई किया इसको, तो ये थोड़ा सा यहां पे देखते हैं कि एनिमल्स जो हैं, तो एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया किस हिसाब से, बेस्ड ऑन ऑन द बेसिस। जहां भी आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हो हमेशा आपको बेसिस याद रखना है। तो एनिमल्स वर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ आरबीसीज। ठीक है, अब जिसके अंदर रेड कलर्ड ब्लड प्रेजेंट था, ठीक है, वो किस में आ गया, इनेमा में। ठीक है, इनेमा का मतलब क्या हो गया, कैसा ब्लड है यहां पे, रेड कलर्ड ब्लड। ठीक है, और रेड कलर्ड ब्लड किसके अंदर होता है, किस में होता है, तो इसमें कौन इंक्लूड होंगे, द एनिमल्स विच आर वर्टिब्रेट्स। तो इसमें क्या आ गया, वर्टी ब्रेट एनिमल्स। ठीक है,
तो ट्रीज को, सब्स को, हब्स को, ये कहाँ हो गए? प्लांट्स के टाइप हो गया, और इनेमा और अनेमा किसके हो गए? ये एनिमल्स के टाइप हो गए। जिसमें इनेमा किसमें आ गया? जिसके अंदर रेड कलर ब्लड होगा, जिसमें आरबीसी प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर क्या होगा, जो एनिमल्स कौन से आएंगे? वर्टिब्रेट इसमें एनिमल्स आते हैं, जिसमें ओविपेरस और विविपेरस एनिमल्स आते हैं, जिसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक तो क्या हो गया, एक तो इसमें क्या हो गया, अनेमा हो गया। ठीक है ना, उसके अलावा जो सेकंड इसके अंदर पढ़ेंगे वो कौन सा हो गया, वो हो गया अनेमा। ठीक है, तो एक हो गया इनेमा एंड सेकंड क्या हो गया, सेकंड क्या हो गया, अनेमा। ठीक है, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर रेड कलर्ड ब्लड क्या था, एब्सेंट था, और एनिमल्स में कौन से आएंगे, इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। ठीक है, तो अरिस्टोटल ने ही क्लासिफाइज द प्लांट्स, ही क्लासिफाइड द एनिमल्स आल्सो, एंड आल्सो बेस्ड ऑन द हैबिटाट। तो दो ही आपने देख लिया यहां पे कि फर्स्ट प्लांट को कैसे किया उसने सिंपल मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के हिसाब से, एनिमल को उसने किस हिसाब से किया, आरबीसी के हिसाब से, और थर्ड ही आल्सो क्लासिफाइड द एनिमल्स बेस्ड ऑन हैबिटेट आल्सो। ठीक है, तो हैबिटेट के हिसाब से उसने कैसे क्लासिफाई कर दिया उसको, कि इन दी फॉर एग्जांपल एक्वेटिक। ठीक है, तो एक्वेटिक में क्या क्या आ गया, फॉर एग्जांपल फिश, व्हेल। ठीक है, जो जिसने अपनी बुक में लिखा था, कौन सा बुक था उसका, हिस्टोरिया एनिमेलियम, तो हिस्टोरिया एनिमेलियम उसने सारी चीजें लिखी हैं। ठीक है, जो डिस्कस कर रहे हैं अपन, इनेमा या एनेमा, ठीक है, उसमें कौन कौन से वर्टिब्रेट्स आते हैं, इनवर्टिब्रेट्स, ऑल द थिंग्स ही रोट डाउन इन दैट पर्टिकुलर बुक कॉल्ड हिस्टोरिया एनिमेलियम। ठीक है, उसके अलावा सेकंड आर दी टेरेस्ट्रियल, जो जमीन पे रहते हैं, तो टेरेस्ट्रियल में कौन से आ गया, फॉर एग्जांपल क्या लिखा उसने, रेप्टाइल्स एंड दी कैटल। ठीक है, एंड थर्ड वन आर दी एरियल। ठीक है, तो एरियल में उसने क्या बताया, एरियल में उसने दिया बर्ड्स एंड बैट, ये उसने दिया। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द अरिस्टोटल हु क्लासिफाइड द प्लांट्स इनटू हब्स, सब्स एंड ट्रीज बेस्ड ऑन सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ही आल्सो क्लासिफाइड एनिमल्स बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसी इनटू एनेमा एंड इनेमा। ही आल्सो क्लासिफाइड द एनिमल्स बेस्ड ऑन द हैबिटेट इनटू एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड द एरियल एनिमल्स। ठीक है, तो सबसे पहले अरिस्टोटल ने क्या कहते हैं, कोशिश की थी, दैट वॉज द फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये तो अपन ने बात कर ली किसकी, अरिस्टोटल की अपन ने बात कर ली, काफी इंपॉर्टेंट है अपने कॉम्पिटिशन के लिए, तो आपको इसको ध्यान से देखना है। अब यहां पर इसके बाद में देर वॉज वन मोर साइंटिस्ट, जिसका नाम क्या था, कैरोलस लीनियस। ठीक है, तो सेकंड एक पढ़ लिया अरिस्टोटल, नाउ दिस सेकंड साइंटिस्ट वाज कैरोलस लीनियस। ठीक है, इसका देखें तो 1707 टू 1778। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका देखें अपन लाइफ हिस्ट्री, तो जो रियल नेम था कैरोलस लीनियस का, तो रियल नेम क्या था इसका क्या था, कार्ल वॉन लिन। ठीक है, ये इसका क्या था, रियल नेम था, लेकिन इसने काफ़ी सारा जो वर्क है लैटिन लैंग्वेज में किया था, तो उसने बाद में क्या कर दिया, अपना जो नाम है वो किस में चेंज कर दिया उसने, कैरोलस लीनियस में अपना नाम इसने क्या कर दिया, उसको चेंज कर लिया। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इसको बोलते हैं। अब लीनियस था, कैरोलस लीनियस ने क्या दिया, सबसे पहले ही गेव दी टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब यहां से अपन पढ़ेंगे टू किंगडम, थ्री किंगडम कैसे कैसे आया,
तो कैरलस लीनियस ने, दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ कैरलस लीनियस. नाउ कैरलस लीनियस ने फर्स्ट टाइम ही गेव टू किंगडम, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, नाउ कैरलस लीनियस ने क्या दिया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन. अब जो इसने दो किंगडम इसने कौन कौन से दिए, सो दीज टू किंगडम्स वर द किंगडम किंगडम प्लांटे, किंगडम प्लांटे एंड एनिमेलिया. ठीक है, ये किसने दिया सबसे पहले, कैरलस लीनियस ने सबसे पहले क्या दिया, ये टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इसने सबसे पहले दिया. ठीक है, अब कैरलस लीनियस ने इसको क्लासिफाई करने के लिए, टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो उसने यूज किया है उसके लिए उसने कौन कौन से क्राइटेरिया उसने यूज किए, या आप उसको बेसिस बोल सकते हो, कौन कौन से बेसिस था जिसके ऊपर उसने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उसने दिया. ठीक है, तो क्राइटेरिया यूज कर उसने क्या क्या किया, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ द सेल वॉल. सेल वॉल प्रेजेंट है तो क्या हो गया, प्लांटे हो गया, एब्सेंट है तो क्या हो गया, एनिमेलिया हो गया. उसके अलावा उसने क्या यूज किया, लोकोमोशन, लोकोमोशन यदि अब्सेंट था तो क्या हो गया, प्लांटी, प्रेजेंट था तो क्या हो गया, किंगडम एनिमेलिया. उसके अलावा उसने क्या यूज किया, क्या यूज किया उसने, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, खाना नहीं खाते हैं इसका मतलब क्या हो गया, प्लांटी, और खाते हैं तो क्या हो गया, एनिमेलिया. ठीक है, ये अपन वो डिस्कस कर रहे हैं तो जिस टाइम पे लीनियस ने क्या सोच करके प्लांटी और एनिमेलिया उसने दो क्लासिफिकेशन किए होंगे उस टाइम के अपन डिस्कस कर रहे हैं. उसके अलावा उसने क्या क्राइटेरिया यूज किया, रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. ठीक है, प्लांटी में क्या क्या दिया उसने, कि स्लो होता है रेस्पॉन्स. ठीक है, एंड एनिमेलिया में कैसा होता है, फास्ट होता है. उसके अलावा फिफ्थ उसने क्या यूज किया, कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम. तो उसने क्या बताया कि कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम एब्सेंट है तो किसमें हो गया, वो प्लांटी में आ गया, और प्रेजेंट तो किसमें आ गया, वो एनिमेलिया में आ गया. ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, दीज आर दी फाइव क्राइटेरियाज यूज्ड. ठीक है, कौन कौन सा, सेल वॉल, प्रेजेंट तो किंगडम प्लांटी, एब्सेंट है तो किंगडम एनिमेलिया, लोकोमोशन एब्सेंट है तो प्लांटे, और प्रेजेंट है तो किंगडम एनिमेलिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, डू नॉट ईट देन किंगडम प्लांटी, इफ ईट देन किंगडम एनिमेलिया, रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, स्लो देन किंगडम प्लांटे, एंड यदि फास्ट है तो कैसा होगा, किंगडम एनिमेलिया. ठीक है, एंड लास्ट में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल. दिस कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम मीन्स मींस प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल. ठीक है, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल यदि एब्सेंट है देन प्लांटे, प्रेजेंट देन किंगडम एनिमेलिया. ठीक है, तो यदि अपन इसको एक टेबुलर फॉर्म में नोट डाउन करें तो यहां पे अपन लिखेंगे क्या, फीचर्स. यहां पे क्या लिखेंगे, किंगडम प्लांटे. यहां पे क्या लिखेंगे, किंगडम एनिमेलिया. ठीक है, पहला क्या हो गया, सेल वॉल. देन सेकंड क्या हो गया, लोकोमोशन. थर्ड इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. फोर्थ इज द रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एंड फिफ्थ इज द कॉन्ट्रेक्टाइल
वैक्यूल, ठीक है। तो सेल वॉल यहां पे प्रेजेंट इन एनिमेलिया एब्सेंट, लोकोमोशन एब्सेंट यहां पे प्रेजेंट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन डू नॉट ईट यहां पे ईट, रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इन प्लांट इज स्लो फास्ट, सीवी इन केस ऑफ किंगडम प्लांट एब्सेंट इन केस ऑफ एनिमल प्रेजेंट, ठीक है। एंड लास्ट में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म वहां पे उसने रखे, कुछ एग्जांपल देखेंगे, सारे नहीं लिखेंगे यहां पे, ठीक है। तो एनिमेलिया में क्या क्या लिखा उसने, प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, यहां पे प्लांटे में बैक्टीरिया हो गया, देन एल्गी हो गया, देन फंजाई, ठीक है, देन ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स, देन जिम्नोस्पर्म्स एंड देन एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो ऐसे उसने क्या किया, कैरलस लिनियस ने, ही गेव दी टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, ठीक है। लेकिन ये जो यहां पे अपने पास में अब सिस्टम यहां पे आया है, उस सिस्टम में क्या थे, काफी सारे उसके अंदर क्या थे, ड्रॉबैक थे, ठीक है। काफी सारे ड्रॉबैक क्या क्या थे उसके अंदर, कि अल्टीमेटली क्या था कि ये जो क्लासिफिकेशन था, इस क्लासिफिकेशन ने अल्टीमेटली किसको किसको नहीं डिस्टिंग्विश किया, दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, ठीक है। उसने तो क्या किया था, सिर्फ प्लांटी और एनिमल दे दिया, लेकिन किसके किसके बीच में नहीं बताया उसने कि भैया काफी सारे जो ऑर्गेनिज्म है, सम आर यूनिसेलुलर एंड सम आर मल्टीसेलुलर, ठीक है, उन दोनों के बीच में उसने क्या नहीं किया, डिस्टिंग्विश नहीं किया उसने। उसके अलावा उसने किसके किसके बीच में नहीं किया, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के बीच में नहीं किया। उसके अलावा उसने किसने नहीं किया, जो फोटोसिंथेटिक हैं, फॉर एग्जांपल एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, ये कौन है, फंजाई, ठीक है। तो इनके बीच में इसने क्या किया, इनके बीच में उसने कोई भी डिस्टिंग्विश उसने नहीं किया। लेकिन फिर भी क्या था कि ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, ये काफी लंबे टाइम तक इसको लोग जो है इसको मानते रहे, ठीक है। तो आपसे कोई पूछता है कि ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, ठीक है, एक तो क्या हो गया, इजीली हो गया, वाज इजीली डन, क्योंकि इसमें क्या कर दिया, दो ही कर दिया बस, एक तो प्लांटी हो गया, एक एनिमेलिया हो गया, दूसरा समझने के लिए काफी इजी रहा, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी नहीं बनाई, प्लांटी और एनिमेलिया में क्या कर दिया उसने, ऑर्गेनिज्म को उसने रख दिया, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो काफी लंबे टाइम तक ये चलता रहा, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या थे, जितने भी साइंटिस्ट आए उन्होंने धीरे धीरे इसके अंदर ड्रॉबैक इसने निकालने शुरू कर दिए, ठीक है। जैसे मैंने बता दिया कि यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट और फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, इनके बीच में वो क्या नहीं कर पाया, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। उसके अलावा कुछ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो इन किसी भी कैटेगरी में नहीं आते, फॉर एग्जांपल युगलना की बात करें तो युगलना में क्या होता है, उसके अंदर प्लांट के फीचर भी होते हैं और उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर एनिमल्स के कैरेक्टर्स भी होते हैं। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि इन्होंने तो साइंटिस्ट थे, उन्होंने काफी सारे ऑब्जेक्शंस हैं, उन्होंने क्या कर दिए, वो स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो कोई आपसे पूछता है कि ड्रॉबैक क्या क्या हैं, तो ड्रॉबैक अपने तीन तो ये लिख दिए, ठीक है। उसके अलावा तो ये भी इसके क्या हो गए, दीज आर आल्सो दी ड्रॉबैक्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन कैसे उठने स्टार्ट हुए कि भैया जो यदि बात करें अपन इवोल्यूशन की, तो जो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म बने थे, ना तो प्लांट थे ना वो एनिमल थे, इसका मतलब बाकी के सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो कहाँ चले गए। उसके अलावा यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, उसके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं किया,
फंजाई को उसने नहीं बताया कि भाई फंजाई को अपन कहाँ प्लेस करेंगे, जिसके अंदर तो क्या होता है सेप्रोफाइटिक यू कैन से नरिशमेंट होता है वहां, तो न्यूट्रिशन होता है वहां तो। उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना है, होलोफाइटिक भी करता है और होलोजोइक भी करता है, प्लांट की तरह भी करता है एनिमल की तरह भी करता है, उसको कहाँ रखेंगे। स्पॉन्जेज होते हैं, इररेगुलर होते हैं, उनको अपन कहाँ रखेंगे, प्लांट्स की तरह होते हैं, इधर उधर क्या होते हैं उनकी यू कैन से ब्रांचेज की तरह दिखता है वो, उसको कहाँ रखेंगे। स्लाइम मोल्ड्स हो गया, उसमें भी करेक्टर्स दोनों के होते हैं, फंजाई के करेक्टर्स भी इसमें होते हैं, उसको कहाँ रखेंगे। लाइकेंस है, उसको कहाँ रखेंगे। ठीक है, तो काफी सारे उसके अंदर क्या थे, ऑब्जेक्शंस वहां पे आने स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इनके अलावा यदि मैं एक दो और लिखूं यहाँ पे क्या क्या वहां पे ऑब्जेक्शंस थे, तो फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया कि फंजाई को कहाँ प्लेस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा युगलिना है जो किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं बैठता है, उसको कहाँ रखेंगे। स्पॉन्जेज हैं जो इररेगुलर होते हैं प्लांट की तरह, उनको कहाँ रखेंगे, क्योंकि जिस टाइम पे जो ऑब्जेक्शन रेज हुए थे मैं उनकी बात कर रहा हूं। उसके अलावा स्लाइम मोल्ड्स हैं, ठीक है, उनको कहां पर रखेंगे। देन लाइकेन है, एंड लास्ट में प्रोकैरियोट यूकैरियोट एंड दी जो वायरस थे उनको कहां पे प्लेस करेंगे। तो काफी सारे ऑब्जेक्शंस है वहां पे आने स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, लेकिन इसका देखें अपन पॉजिटिव पॉइंट देखें तो यहां पे क्या हो गया कि ये जो क्लासिफिकेशन था इजीली हो गया था और इजीली इजी टू अंडरस्टैंड था ये। ठीक है, लेकिन बिकॉज ऑफ दीज वेरियस ड्रॉबैक्स, ठीक है, काफी सारे ड्रॉबैक थे, उनके कारण क्या हुआ कि इसको कैसा मिला, इट वॉज फाउंड इनएडिक्युएट। ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसके पॉजिटिव पॉइंट्स आपको याद रखने हैं क्या, ये जो क्लासिफिकेशन था, दिस क्लासिफिकेशन टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दिस क्लासिफिकेशन वाज इजीली डन, दिस क्लासिफिकेशन वाज इजीली डन एंड दिस क्लासिफिकेशन वाज इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, लेकिन जैसे अपन पढ़े हैं कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जैसे बात किया किसमें, बात किया किसकी, यूग्लिना की, तो वो किसी भी कैटेगरी के अंदर नहीं आता है, इसलिए क्या था कि लंबे टाइम तक ये यूज हुआ क्योंकि तो इजीली हो गया था और काफी लोग समझते थे इसको। ठीक है, लेकिन उसके बाद में काफी लंबे टाइम के बाद में क्या हो गया कि इट वॉज फाउंड इनएडिक्वेट। तो उसके बाद में क्या हुआ कि साइंटिस्ट को यह लगा कि भैया सिर्फ मोर्फोलॉजी को छोड़ करके अपने को कुछ ऐसे क्राइटेरिया भी देखने पड़ेंगे जिनसे जो डिफरेंट जो भी ऑब्जेक्शंस हुए हैं उनको अपन दूर करें और जो भी जितने भी अपने पास में ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक एग्जैक्ट कैटेगरी में क्या करें, क्लासिफाई करें। जैसे क्या हो गया, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल वॉल का नेचर क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हैबिटाट क्या है, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ठीक है, और उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, दैट वॉज दी टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय दी कैरोलस लिनियस। ठीक है, तो आपको याद रखने हैं कि काफी लंबे टाइम तक ये क्यों चलता रहा, उसके बाद में ये इनएडिक्युएट इसको लोग क्यों मानने लग गए, बिकॉज ऑफ द वेरियस ड्रॉबैक्स। ठीक है, तो ये काफी सारे जो पॉइंट्स हैं आपको याद रखना है। देन विल कम टू दी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन एंड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। दीज क्लासिफिकेशन यू विल स्टडी इन डिटेल इन योर बोटनी लेक्चर्स, इन द जूलॉजी वी आर डिस्कसिंग ओनली इन द ब्रीफ दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन, एंड इन जूलॉजी वी विल डिस्कस इन डिटेल स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोटिस्टा।